सो हाई गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन जॉब अलर्ट। आज एक नया अपडेट आया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है डिप्लोमा ITI वालों के लिए, 12th पास वालों के लिए भी, ठीक है। सो DSCC ग्रुप सी की तरफ से ये रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है, आप देख सकते हो, है ना। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, लोअर डिवीजन क्लर्क, सिविलियन मोटर ड्राइवर, सुखानी, कारपेंटर, मल्टीटास्किंग स्टाफ, इन सब के लिए रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। सैलरी आप यहाँ पे देख सकते हो, टोटल स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 में 4 वैकेंसी है, लोअर डिवीजन क्लर्क में 10, सिविलियन मोटर ड्राइवर में 7, सुगंधी में 1, कारपेंटर में 1 और मल्टीटास्किंग स्टाफ में 60 वैकेंसीज निकली हुई है। आप बाकी इसको डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की बात करें तो अगर आपने 12th पास हो या उससे इक्विवेलेंट, 12th पास यानी और उससे इक्विवेलेंट यानी डिप्लोमा कर रखे हो तो आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। स्किल टेस्ट नॉर्म 10 मिनट्स, 80 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। ये सब इंग्लिश और 50 मिनट्स, 65 मिनट्स हिंदी और कंप्यूटर, ठीक है, ये सब ध्यान देना। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए भी 12th क्लास पास हो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी से, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। सिविलियन मोटर के लिए भी देख सकते हैं, सुखनी के लिए भी 10th क्लास इक्विवेलेंट इससे है, ठीक है, ध्यान में रखना। कारपेंटर के लिए 12th पास हो, 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांग दिया गया। मल्टीटास्किंग स्टाफ में मैट्रिकुलेशन पास हो, 10th पास हो या उससे रिलेटेड यानी ITI कर रखे हो, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। अब ये कैसे बोल रहा हूँ मैं, कैसे मैं इस इक्विवेलेंट को मैं ITI या डिप्लोमा से वो कर रहा हूँ, तो देखो यार, अगर आप नीचे में आओगे ना, इसका ऑफिशियल फॉर्म मैं ओपन करके दिखाता हूँ। इसका ये रहा ऑफिशियल फॉर्म, ठीक है, आया हुआ है जो, इसमें आप नीचे आओगे, इसका जो फॉर्म है ऑफलाइन फॉर्म जो है आप देख सकते हो, ये देखो क्वालिफिकेशन में ITI और डिप्लोमा का भी कॉलम दे रखा गया है, ठीक है। इसका मतलब ITI डिप्लोमा वाले भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12th और उस इक्विवेलेंट यानी डिप्लोमा की बात कर रहा है, 10th और इक्विवेलेंट यानी डिप्लोमा ITI दोनों अप्लाई कर पाएंगे इस पोस्ट के लिए, ठीक है। बाकी आप ये सब देख लेना। अब एज लिमिट की बात कर रहे हैं, तो एज फॉर ऑल पोस्ट मेंशन इन एवव टेबल, ऊपर का जो टेबल है इसी में एज लिमिट 18-27 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है। बाकी नीचे का जो है सुखनी, कारपेंटर और मल्टीटास्किंग, इसके लिए 18-25 साल रखा गया एज लिमिट, इसका जरूर ध्यान देना। एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय हो उनको भी एज रिलैक्सेशन मिलेगा। लास्ट डेट इसकी 22 मई 2021 को लास्ट डेट है, जो भी इंटरेस्टेड हो यार इससे पहले अप्लाई कर लेना। अप्लाई कैसे करना है, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हो, एवव पोस्ट सब्जेक्ट वैकेंसीज एंड क्वालिफिकेशन, ऑल डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, फिजिकल हैंडीकैप, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाई द जो है इट इज एक्ट्रा टू बी अकाउंपाइंड विद द एप्लीकेशन शुड बी सेल्फ अटेस्टेड, जो इसके नीचे एप्लीकेशन है फॉर्म के नीचे, इसका लिंक मैं दे दूंगा, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स लगा कर आपको ऑफलाइन फॉर्म भेजना है, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान देना। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर पहले से कहीं काम वगैरह कर रहे हो तो ये सब चीज़ का ध्यान देना, ठीक है। किस एड्रेस से भेजना है, द कमांडेड डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन नीलगिरी 643231 तमिलनाडु, इस एड्रेस पे भेजना है, इस चीज़ का जरूर ध्यान देना। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें, द ऑल एप्लीकेशन विल बी स्क्रूटनाइज्ड इन टर्म्स ऑफ एज लिमिट, मिनिमम क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट। तो जाहिर सी बात है, आपके जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, एज लिमिट और मिनिमम क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको स्क्रूटनाइज किया जाएगा पहले, उसके बाद आपको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। रिटन टेस्ट जो है उसमें जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, ट्रेड स्पेसिफाई, जिस ट्रेड से हो उस ट्रेड से कोई क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएंगे आपसे, जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे, ठीक है। ब्रिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट, कॉपीज ऑफ एनेक्सर अटैच्ड विद एप्लीकेशन, ठीक है, रखना, जो अटैच किए होंगे वो डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लाइक डेट, ठीक है। बाकी आप डिटेल इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, ये रहा इसका एप्लीकेशन, मैं इसका लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड करके फॉर्म भर के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगाकर आप जो एड्रेस मैंने बताया उस एड्रेस पे आपको भेज देना है, ठीक है। सो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी कहीं भी दिक्कत वगैरह आता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें पर्सनली हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज पे भी मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।